बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग फिर से आए हुए हैं शॉपिंग पे। तो अभी हम लोग चैनवन में आए हैं, तो चैनवन में हमने कुछ बेड शीट्स देखनी थी, तो बस इसी सिलसिले में हम ऊपर वाले पोर्शन में आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, आपको पूरा एक हाउस मिल जाता है जिसमें आपको हर चीज़ इजीली पसंद आ जाती है और आपको चॉइस करने में मुश्किल नहीं होती। लेकिन इनकी जो प्राइजेस थी टू मच हाई हैं और ख़ास तौर पर फर्नीचर इनके पास बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन हम लोग आए थे बेडशीट लेने, तो हमें बेडशीट बहुत अच्छी मिल गई, कुछ 5000 की रेंज में थी और कुछ थोड़ी सी इससे कम थी। लेकिन हमने चूँकि बाय यहाँ से बाय करनी थी तो हमने यहाँ से ले ली। और हम अब आए थे सफ़ायर पे, और यहाँ पे न्यू अराइवल में बड़ी ही अच्छी कलेक्शन आई थी, जहाँ से हमने दो विंटर सीज़न के सूट कलेक्ट किए और बड़े अच्छे मिल गए, बड़े अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं। अगर किसी ने सफ़ायर पे जाना हो तो वहाँ से ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत और जगहों पे सर्च करने के बाद हम लोग आए थे आइडियाज़ में, और यहाँ पे भी हमने बेड शीट्स लेनी थी और कुछ टॉवल वगैरह लेने थे। और यहाँ पे भी बेड शीट की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, ब्राइडल सेट बहुत अच्छे थे, टॉवल्स बहुत अच्छे थे। आपको पता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी वैरायटी होती है, और यहाँ से आप अगर कुछ भी लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक बहुत आला और अच्छे मेयार की है। तो यहाँ से हमने कुछ बेड शीट्स ली और कुछ टॉवल्स लिए, तो यहाँ पे वही पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। और सारे दिन की शॉपिंग करने के बाद अब हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, और बस यहाँ पे हम लोग खाना खाने आए हुए हैं। तो शॉपिंग हमने काफ़ी ज़्यादा की थी, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बस अभी इस छोटे से ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी, और बाकी की जो दूसरा ब्लॉग आएगा शॉपिंग ब्लॉग, वो मैं आपको आज या कल दूँगी। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।